दूर देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बात कुछ हुए कतले आम प्यार में सावधान, प्यार में बड़े ध्यान से क्या देख रहा है नंदू? अरे बाबूजी, उस आराधन विश्वकर्मा का कालम पढ़ रहा हूँ। वाह जी वाह, आराधन विश्वकर्मा का कालम, और उसमें तेरे जोगा है क्या जो देख रहा है? कोई कुड़ी चुड़ी तो नहीं मिल गई? लड़की तो है बाबूजी, ठीक ठाक है, तो पत्रिका वाले हीरोइन की माफी छापते हैं। हीरोइन की माफी की होगी तभी तो छापे होंगे पत्रिका वाले। कहाँ की स्टोरी है? इलाहाबाद सिक्योरिटी थाना की स्टोरी है बाबूजी। ओए वो तो ठीक है, बाकी पूरी गल बताया कर, कौन सी स्टोरी है? वो कांत और दीपा वाली। दीपा ये फोटो उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर दीपिका थी। दीपिका? दीपिका मतलब दीपा। इतनी सुंदर कि मेकअप करने के बाद भी हीरोइन सुंदर नहीं दिखती। हैरान होने की बात नहीं है नंदू, उसकी सुंदरता के आगे ही तो कांत मर मिटा था। वाकई दीपिका इतनी खूबसूरत थी कि महाकवि कालिदास के लिखे नाटक की खूबसूरत पात्र शकुंतला की खूबसूरती भी फीकी पड़ता है। शकुंतला? ओए शकुंतला नु छाड़, मैं तुझे हुस्न परी दीपा के हुस्न की और कांत के दीवानेपन की स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ हाँ। उस दिन दीपा और कांत इलाहाबाद के भारद्वाज आश्रम के पास बने थिएटर में नाटक देख करके वो अपने घर वापस आ रहे थे। नाटक का नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। दोनों उस नाटक के बारे में बात करते हुए अपने कमरे के पास पहुंचे। नाटक देख के तो मजा आ गया थी। हाँ। स्पेशली तुमने नोट किया वो जो एक्टर्स दुष्यंत और शकुंतला का रोल कर रहे थे? कमाल कर दिया यार। नहीं? बहुत अच्छा। तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया। मैं क्या बोलती हूँ कांत, हम एक और शो देखने चले? एक और शो? हाँ, इसी का दूसरा शो, या फिर कोई मूवी देखने चलते हैं थिएटर में। देखो अभी टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ है। दीपा वैसे आइडिया तो गजब का है, लेकिन दीपा एक बात है यार, पूरा दिन भर ऑफिस में काम किया है, उसके बाद एक शो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो सेकंड शो थोड़ा ज़्यादा टायरिंग नहीं हो जाएगा? मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल। हाँ कोई बात नहीं, चलिए चलो। क्या हुआ? अरे चाबी नहीं लग रही यार। अच्छे से लगाओ। अरे ताले की चाबी है यार, आराम से लग जाती है रोज तो। लाओ। अरे ये कौन सी चाबी है? ये घर की चाबी नहीं है। अरे हाँ यार, गलती हो गई, ये तो मेरे ऑफिस के लॉकर की चाबी है। घर की चाबी ढूंढो। हर ताला अपनी ही चाबी से खुलता है, एक ताले में दूसरे ताले की चाबी नहीं लगती, फिर ये ऊपर वाला जोड़ियां मिसमैच क्यों बनाता है? मिल गई, ये घर की चाबी है। चाय पियोगे? हाँ अगर मिल जाती तो वुड बी ग्रेट। मैं लाती।
ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह भाई, खुशबू तो कमाल की आ रही है। पीजिए। एक मिनट, ये एक कप क्यों है? तुम्हारी चाय कहाँ है? नहीं, मेरा मन नहीं है, आप पीजिए। मैं अकेले पीऊंगा? वाह क्या चाय बनाई है। बैठो ना। मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। अरे बैठो ना, बैठो ना। बातें करते हैं यार, कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। चलो गिरो। एक सवाल पूछूं दीपा? पूछिए ना। तुम्हारे पापा ने दीदी से पहले तुम्हारी शादी क्यों कर दी? वो मुझे क्या पता। I understand। तुम्हें लग रहा होगा अचानक से ये सवाल क्यों, ऐसे ही काफी दिनों से मन में था। जस्ट वो एक्चुअली ना दोनों की शादी की बात चल रही थी। मेरी पहले तय होगी तो मेरी हो गई। कितनी सुंदर है तू दीपा। ऊपर वाले ने जैसे किसी सांचे में ढालकर बनाया। शकुंतला? नहीं नहीं, बेचारी शकुंतला को उसका दुष्यंत क्या समझेगा। तो आम्रपाली ही ठीक है। कालिदास के नाटक की बेचारी शकुंतला बड़ा तरस आया। कैसे एक बेवकूफ लड़की पूरी जिंदगी भर एक छलिए लड़के का इंतजार कर सकती है। इतनी सुंदर हूं मैं। दीपा सोने दो प्लीज। तुम्हें जब देखो सोने की पड़ी रहती है। मेरी खुशियों का कोई ख्याल नहीं है ना दीपा। मैं उब गई हूँ इस माहौल से। तुम मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते दीपा। तुम क्या कान, जब देखो ऑफिस का काम, कभी कुछ और भी कर लिया करो। डार्लिंग, दिन भर ऑफिस के काम से इतना दौड़ना पड़ता है कि और कुछ करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। लोगों का बीमा करवाते हो, भागना तो पड़ेगा ही। अच्छा वो एक इंस्पेक्टर ने जो पॉलिसी करवानी थी उसका क्या हुआ? हो गई ना, और उसके साथ साथ तुम्हें पता है चार और लोगों की भी। चार और लोग कौन? इंस्पेक्टर मनोज, उनकी बीवी, उनके दो हवलदार और उनके साथ चार लोग और आ रहे हैं। झूठ बोल रहे हो ना, बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली हूँ। कमाल करती हो, तुमसे झूठ बोलूंगा। मैं पेमेंट स्लिप दिखाता हूँ। छोड़ो, ये पेमेंट स्लिप देख के मैं क्या करूंगी। अरे क्या कर रही हो, प्रेजेंटेशन तो कंप्लीट करने दो। मुझे तो बस लव यू टू, लेकिन थक गया हूँ यार, सीरियसली। मैं भी थक गई हूँ। स्ट्रेंज, दिन भर लोगों का इंश्योरेंस करने के लिए पूरे शहर में दौड़ता हूँ मैं, और थक तुम गई हो, वो भी घर पे रहके। सही, मैं जरा ले जाऊँ। I need to lie down। दीपा सोने दो प्लीज। तुम्हें जब देखो सोने की पड़ी रहती है। मेरी खुशियों का कोई ख्याल नहीं है ना दीपा।
मैं उब गई हूँ इस माहौल से। तुम मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते। दीपा तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं इस माहौल में नहीं रह सकती, बस। अच्छा दीपा, तुम्हारी वजह से आज मैं अपने माँ बाप से अलग रह रहा हूँ और तुम मुझे ही। वाह, बस यही सुनना बाकी रह गया था। इसका सारा ब्लेम भी मेरे सर पे डाल दो। कांत, क्या कर रहे हो आप? कुछ बताना चाहोगे कांत? ना भी बताना चाहो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बहुत सुंदर थी वो, लेकिन उसकी सुंदरता में एक दाग था। हेलो हेलो, मैं दिल्ली से शालू बोल रही हूँ। क्या बात है साली साहिबा, आज आपने हमें याद किया भाई, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। क्यों, याद नहीं करती मैं आपको? साली साहिबा मैंने ऐसे कब कहा, करती हैं कभी कभी, बोलिए ना। दीपा कहाँ है जीजा जी? जीजा जी भाई, क्यों पाप का भागीदार बना रही हैं हमें आप? आपसे उम्र में छोटा हूँ, मुझे चंद्रकांत नहीं तो कान कह के बुला सकती है, सीधा नाम बोलिए ना मेरा। एक मिनट, बाजी कौन सी बाजी? हाँ, शादी तो पहले ही आपकी हुई है ना, मेरी तो बाद में हुई। भाई ये बात तो है। दीपा से बात करो जीजा जी। आपकी प्यारी बहन सो रही है, एक मिनट रुके मैं जगाता हूँ। दीपा, दीपा, दिल्ली से तुम्हारी दीदी। सोने दो ना। अरे दीदी को नहीं सोने दो, दिल्ली से तुम्हारी दीदी का फोन है, लीजिए बात कीजिए। दीदी का फोन है? हाँ, दिल्ली से बात करो। हेलो, हाँ दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तो कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। और जीजा जी कैसे? वो तो ठीक है, तू बता दिल्ली कब आ रही है? दिल्ली, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ। ओके ओके, जल्दी आना। हाँ जी दीदी, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, बाय बाय। अरे दीपा, हाँ कहाँ रखी है? वो नीचे ही है थैले में। अरे यार कहाँ रखी है चीनी? अरे वही तो रखी है नीचे थैले में। अच्छा सुनो ना दीदी, मुझे दिल्ली बुला रही है, मैं जाऊँ? तुम्हारी मर्जी। नहीं आप बताइए ना, मैं जाऊँ कि नहीं? भाई तुम मेरी इकलौती लाडली प्यारी बीवी हो, जो तुम्हें अच्छा लगेगा मैं उसे सपोर्ट करूंगा। नहीं, पर जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। ओके जाओ। सच्ची मुच्ची? I love you so much. Love you too. अब मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? अदरक डाल दो। ठीक है। अच्छा तुम्हारे नहाने के लिए वो पानी छोड़ दूँ? हाँ। गरम या ठंडा? गरम। डालिंग मेरी अदरक वाली चाय का है? ओहो, क्या मूड है मेरे कलयुगी दुष्यंत, कभी शकुंतला की तरफ भी देख लिया करो, क्या पता कोई कोई। अच्छा जी, कोई का तो पता नहीं, लेकिन इतनी सुंदर शकुंतला होगी तो अनेकों मिल जाएंगे। जल्दी आ जाओ ना दीपा, मिस यू। हेलो। हाँ तुम्हें पता है हम ना घूमने जा रहे हैं,
हाँ, लेकिन जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, जल्दी आऊंगी। दीपा, दीपा कहाँ गई? ये भगवान, क्या होता जा रहा है मुझे? ताला तो मैंने ही खोला है। मौजी प्रणाम, कान बोल रहा हूँ। ये दीपा आई है क्या आपके यहाँ पे? नहीं नहीं, वो मेरी बात नहीं हो पाई काफी देर से उससे, तो इसलिए थोड़ा परेशान था मैं। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। जी जी, ठीक है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी दीपा का कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने हर जगह फोन किया, उसके माँ बाप के घर, उसके फ्रेंड्स के यहाँ, सब ने बोला कि उनके यहाँ पे नहीं आई है। इंस्पेक्टर साहब, उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मेरी दीपा को कुछ हो तो नहीं गया? इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी दीपा को ढूंढिए। इंस्पेक्टर साहब, कांत ने जब फोन पर पुलिस इंस्पेक्टर मनोज को सूचना दी कि मेरी बीवी गुम हो गई है, तब इंस्पेक्टर ने कांत से अपने ससुर धर्मू को थाने बुलाने का हुक्म दिया। कांत, कांत, मौजी, मौजी, क्या कर? जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या किया तूने दीपा के साथ? जी कंट्रोल योरसेल्फ। अरे क्या क्या बोले जा रहे हैं? मैं कहते हैं बाऊजी। बाऊजी एक सेकंड, सच सच बता। सच सच बता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जी पुलिस स्टेशन है, क्या बोले चले जा रहे हैं आप? बस हवलदार, इन्हें बाहर निकालो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, यही आदमी ने गायब किया है, इसे गिरफ्तार कीजिए। कांत, आपके पास आपके वाइफ की कोई फोटो वगैरह है? हाँ सर, मोबाइल में है। हाँ चलेगा, दिखा। वाकई जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो वो दीवाना हो ही जाएगा। क्या दीपा अपने किसी आशिक के साथ भाग गई होगी? हो सकता है। कांत, आओ चले। कहाँ सर? अरे भाई, हम पुलिस वालों को आराम करने के लिए क्वार्टर मिलता है, थोड़ा आराम करते हैं, तुम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, फिर चले जाना। आओ। बैठो कांत, बैठो, घबराने की कोई बात नहीं, बैठो। मुझे पता है कि बीवी के नहीं मिलने और ससुर के शक करने की वजह से तुम बहुत परेशान हो। होता है कभी कभी कांत, आदमी कसूरवार ना हो तो भी शक उसी पे जाता है। कांत, पानी पियो, रिलैक्स। थैंक यू। कुछ बताना चाहोगे कांत? ना भी बताना चाहो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जाना चाहो जा सकते हो।
वैसे हम आज ही अपने मुखबिरों को चारों तरफ फैला देंगे। क्या हुआ? शांत, कम ऑन, रिलैक्स। ये लो, कम ऑन, डोंट डू दिस कांत। ये लो। क्या हुआ कांत? सच पूछो तो पहली बार जब तुम्हारी वाइफ का फोटो देखा तब मैं काफी हैरान रह गया था। एक ही सवाल हथौड़े की तरह मेरी जेहन में लगा, क्या दीपा की खूबसूरती कहीं उसका अभिशाप तो नहीं बन गई? बताओ कांत, बात क्या है? इंस्पेक्टर मनोज, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं। एक प्यारी सुंदर बीवी, एक अच्छी नौकरी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस बहुत अच्छा संसार था मेरा मनोज जी। बहुत प्यार करता था मैं दीपा से, बहुत सुंदर थी वो, लेकिन उसकी सुंदरता में एक दाग था, और वो दाग था उसकी चरित्रहीनता। हमारी दीदी कैसी है? दीदी बिल्कुल ठीक है। तुम दीदी की बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, मुझे क्या होगा? वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो।